दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, पिपराइच के रामलीला मैदान में जो कि बहुत ही बड़ा धर्मशाला बना है, जो कि धर्मशाला नहीं कह सकते इसको, एक तरह से मान के चलिए इंगेजमेंट होटल भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही भव्य बनाया गया है। जो कि आप यहां का डेकोरेशन देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही बड़ा बना है, जो कि 3 फ्लोर में बना है। आप जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है हॉल बना है जो कि गुरु गोरक्षनाथ के नाम से बना है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये एक स्टेज नुमा बनाया गया है, जो कि इस पर आप शादी विवाह में जयमाल वगैरह और कोई भी प्रोग्राम हो, यहाँ पे स्टेज का कार्य हो सकता है। और बगल में देख सकते हैं दोस्तों, पूरा बहुत ही बड़ा हॉल बनाया गया है, जो कि कम से कम यहाँ 1000-2000 व्यक्ति यहाँ पे अपना प्रोग्राम को सफल बना सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ सामने से सीढ़ी बना है और ऊपर की तरफ दोस्तों, हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं, आपको ऊपरी तल का वहाँ का पूरा दृश्य दिखाएँगे। कितना खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ का। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ भी एक स्टेज नुमा बनाया गया है, जो कि ऐसे ही 3 पार्ट में, मतलब 3 तल पे बनाया गया, जो कि पूरे प्रोग्राम यहाँ पे हो सकते हैं। तो लगभग ये कितने दिन में तैयार हो जाएगा? लास्ट है। तो ये धर्मशाला है कि क्या है? धर्मशाला है। तो ये रामलीला कमेटी की तरफ से बनाया गया? नहीं, टाउनेरिया की तरफ से। तो ये यहाँ का उद्घाटन हो गया? अभी नहीं। तो ये दूसरा तल है। हाँ। इसके ऊपर भी एक तल होगा? नहीं। अभी नहीं, दो तल है। ठीक है भैया, धन्यवाद। गुरु गोरक्षनाथ धर्मशाला। Thank you.